क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा मक्खी बनकर किसी के शरीर के अंदर घुस सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। मेरे हाथ में एक हिंदी बुक है। क्या नाम है? महात्मा रोगी क्यों। अच्छा, महात्मा रोगी क्यों लिखा हुआ है? तो तुमने क्या पढ़ा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन वास्तविक कलाकार है? आपकी जिंदगी सिर्फ एक मिनट में बदल सकती है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। आई एफ बी स्पेशल शब्दा शक्ति। महात्माओं के रोग के असली कारण। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ दी। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। ये इंग्लिश में क्या लिखा है? द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं जो बंद आंखों के सामने आता है। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, FC 19, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। फिर धीरे से नीचे उतर कर अंकल के पेट में, लिवर में और उनके पेट में क्या चल रहा है, फिर बाद में अंकल के पेट से नीचे उतर कर वहाँ पर देखो अंकल के पाँव में कुछ है वहाँ पर। ये सब बच्चे आंखों पर कपड़ा बांधकर सामने बैठे आदमी के शरीर के अंदर जाकर उसमें छिपी बीमारियों को चुटकियों में बता देते हैं। दांतों में थोड़ी कैविटीज थी, घुटनों में, लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम थी उनकी। क्या ये जादू है? क्या ये आंखों का फेर है या फिर कोई तरकीब? ऐसा कुछ नहीं है। जल्द ही ये बच्चे आपके सामने ये सब कुछ लाइव करके दिखाएंगे और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। मृत्यु के बाद जन्म से पहले। अच्छा, मृत्यु।